सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि कार्य क्षेत्र में आपके कार्य पूरे होंगे, अपना लक्ष्य आज आप हासिल कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सफलता देने वाला साबित होगा, उनके सभी कार्य पूरे होंगे और पूर्व काल में उनके द्वारा किए गए फैसले सही साबित होंगे। सहकार्यकरों के साथ भी आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में भी रुकी हुई पुरानी योजना आज फिर से शुरू हो सकती है। सरकारी कार्यों में भी आज आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार के विस्तार के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास आज आपको सफलता देंगे। आर्थिक लाभ होगा और आय में वृद्धि के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन में अविश्वास बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर आपका मनमुटाव हो ऐसा संभव है। रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करें। माता पिता और भाई बहन से रिश्ते बेहतर बनेंगे। संतान से जुड़े हुए अच्छे समाचार पारिवारिक तनाव को कम करने में सहायभूत होंगे। आपका आरोग्य दिन भर अनुकूल बना रहेगा। आज आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो ऐसी संभावना बहुत कम है, किंतु दिन के उत्तरार्ध में दिन के अंतिम दौर में आप मानसिक तौर पर तनावग्रस्त रहे ऐसा संभव। शेयर मार्केट आदि जोखिमपूर्ण क्षेत्र में निवेश के लिए दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है। जहाँ तक संभव हो आज किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम न उठाएं। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्रियां आज उपलब्ध हो सकती है। शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा परिणाम आ सकता है। महिलाओं के लिए भी दिन ज्यादातर मुद्दों पर अनुकूल बना रहेगा। आर्थिक लाभ आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके अलावा नजदीकी रिश्तेदारों से जुड़े हुए अच्छे समाचार दिन भर मिलते रहेंगे। किसी प्रकार के सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में आज आपके द्वारा हिस्सा लिया जाए ऐसा संभव है और किसी दूर के रिश्तेदार से बहुत पुराना मनमुटाव आज समाप्त हो सकता है। बुजुर्गों के लिए आज का दिन मिश्रित रह सकता है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य में सुधार होगा, किंतु बुजुर्ग लोग आज कुछ हद तक तनावग्रस्त रह सकते हैं। दिन के अंतिम दौर में पूरे परिवार के साथ किसी दूर के स्थल की यात्रा की योजना होगी और पुराने मित्रों से भी आज मुलाकात होने के अच्छे योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहे।